हेलो बच्चों, नमस्कार। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त सेट जेएनवी का कराने जा रहा हूँ क्लास सिक्स के लिए। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। 53,068 को किसी एक संख्या से भाग देने पर भागफल 206 तथा शेषफल 126 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है, यानी हमने किससे इसको भाग किया। तो अगर जब हम भाग करते हैं, मान लेते हैं मैंने इसको x से भाग किया, किसको किया, 53,068, इसका भागफल 206 आया और घटाते हुए ये 100 आपका 26 के आ गया शेष। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम जो भागफल आता है उसको जिससे हम भाग करते हैं गुणा कर लेते हैं और शेषफल इसमें जोड़ लेते हैं, तो जिसको हमारा जो संख्या होती है वो निकल आती। यही तो हम लोग करते हैं। अब आप इसको सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 206 एक्स बराबर 53,068 माइनस 126, तो ये आपका आ जाएगा 52,942। अब यहाँ से अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो देखिए बटे इसी क्या आ जाएगा, ये 206। ठीक है बच्चों, अब इसको दो से काट लेंगे, दो एक कम दो, दो तीन आई छः, इसको दो से काट लेंगे तो देखिए मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, दो दूनी चार, दो छंग बारह, दो चौके आठ, दो सती चौदह, दो एक कम दो, ठीक है, तो 26,471। इसको 103 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 257। तो यहाँ से जो है ये 257 से आपने भाग दिया होगा, जो कि ऑप्शन दूसरा वाला सही है। अब आप क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि 2 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो ये तो आपको, या तो आप इनको रट लीजिए 50 तक और 50 के बाद 100 तक, कभी न कभी इनसे जरूर पूछी जाती हैं। अगर आप अभाज्य संख्या जानते हैं, वे ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं, विभक्त होती हैं और एक से, तो ये संख्याएं हालांकि 25 होती हैं, कौन कौन सी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी, देखिए 2, उससे बड़ी 3, फिर 5, फिर 7 होती है बच्चों, फिर कितना होता है 11, 13, 17, 20, 20 के बाद 23, 23 के बाद देखिए बच्चों 29, 29 के बाद होती है 31, 31 के बाद 37 और 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 47, 53, 53 के बाद देखिए बच्चों होती 59, 61, 62, नहीं 62 तो नहीं होगा, 67 और फिर 71, 73, 79, 83 और 89, 97, कुल मिला के देखिए 25 संख्याएं होती है। तो आप यहां से 25 पट्टिक कर लेंगे। अब पूछ रहा है 720 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 720 को आप ऐसे छोटे छोटे इसके गुणनखंड आपको करने हैं जिनसे दोबारा गुणनखंड हो, उनको बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए पहले 2 से ये कट रहा है तो कितना आ जाएगा 360, फिर देखिए आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 180, फिर देखिए 2 से आप भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, पुनः इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 45 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, इसे हम 3 से काट लेंगे तो देखिए 15 आएगा, फिर 3 से काट लेंगे तो 5 आएगा। अब ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जिस किसी में देखिए 4 बार 2 आया हो तो 4 बार 2 पहले में आ रहा, 2 बार 3 आया, 1 बार 5, यहाँ से ये 720 के अभाज्य गुणनखंड हैं जिनके फर्दर हम गुणनखंड अब नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, अच्छा प्रश्न है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। हम मान लेते हैं हर एक वस्तु 1 रुपये की है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य इसका बच्चों हो गया, क्रय मूल्य आपको जल्दी कराने के लिए 15 रुपये। अब आप क्या कर रहे हैं, 12 वस्तुएं 15 की बेच रहे हैं, तो 12 वस्तुएं हम अगर 15 की बेचेंगे तो एक वस्तु कितने की बिकेगी, 15/12, ठीक है। अब आप इसी में 15 वस्तुएं अगर आपको बेचनी पड़े क्योंकि हमने 15 खरीदी थी, तो इंटू 15 आप और कर देंगे और इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखिए ये 3 से कट रहा, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 15 75 75/4, यानी 75/4 इसका विक्रय मूल्य हो गया क्योंकि मैंने 15 वस्तुएं खरीदी थी और 15 वस्तुएं ही बेचेंगे। तो हमारा जो डायरेक्ट लाभ है बच्चों वो कितना निकल आएगा, लाभ बराबर होता है विक्रय
मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 15, इसको हल करेंगे 75 माइनस 15 चक्कू 60 और बटे 4, तो यह आ जाएगा 15/4। ठीक है, 15/4 का लाभ हुआ। अब 15/4 आपको याद रखना, देखिए 15/4 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत क्या होता था बच्चों, लाभ इंटू 100/ क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ हुआ है 15/4 इंटू 100 और क्रय मूल्य आपका था 15 रुपये। 15 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। इसका मतलब उस पे जो है पूरा आपको 25% का लाभ होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, जहां से हम ए वाला टिक कर लेंगे। अगला अगर आप प्रश्न देखें, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसे आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो 100% इसे आप कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें तो 21, 25, 27 और 35 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ये आप आराम से इसको लगाइएगा। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3 जोड़ दें तो इतने इतने से। ये हम होमवर्क के लिए आपको देंगे, इसे आप जरूर करिएगा, क्योंकि हमारा जब भी कराता हूँ 1 से 2 होमवर्क में रहते हैं, तो आपका जो 45 नंबर है ये आपका होमवर्क में चला गया। अब बात करता हूँ इसका एक अगला सवाल 46 यानी 46 का। एक साइकिल 650 रुपये में खरीद कर 585 रुपये में बेची गई तो हानि ही होगी, क्योंकि आपका क्रय मूल्य देखिए बहुत ज़्यादा है और विक्रय मूल्य आपका कम है। तो 650 रुपये की चीज़ 585 की बेचेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी हानि की गणना कर लेंगे। हानि कितनी होगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 585, तो कुल मिला के ये आ गया 65 रुपये। 65 रुपये की आपको हानि होगी, तो हानि कितने में हो रही है, तो हानि प्रतिशत सूत्र वही लगेगा, हानि इंटू 100/ क्रय मूल्य। मैं ऊपर थोड़ी जगह पड़ी है, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ। 65 रुपये का इसको देखिए बच्चों लाभ हुआ है इंटू 100/650 रुपये की वस्तु थी, 0 0 काट देंगे, 65 × 65, तो ये हमारा आ जाएगा 10%। इसका मतलब उसे 10% की हानि हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ये भी आपका प्रतिशत से ही है और इसको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपके 100% समझ में आएगा। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए, रवि ने 390 अंक मिले और प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंक और चाहिए, तो इसका मतलब इसको 60% पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 390 तो ये लाया है, 30 अंक और मिल जाते इसका मतलब ये 400 अगर 20 अंक पाता तो ये फर्स्ट क्लास पास हो जाता। मैं मान लेता हूँ पूर्णांक था x और x का 60 जो प्रतिशत होगा वो कितने के बराबर होना चाहिए, 420, क्योंकि ये 60% पाने के लिए जरूरी है। तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू 60/100 इक्वल टू 420। अब आप इसको त्रिगुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60x = 420 × 100, इसलिए x बराबर का आप निकालोगे तो 60 से इसको कर दोगे बच्चों भाग, तो 0 0 6 × 6 = 42 और 7 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 700। इसका मतलब जो है वो पूर्णांक जो है वो 700 का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो इसका मतलब एक इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमारी जो अभिष्ट संख्याएं होंगी बच्चों वो कितनी होंगी। इसका मतलब इसमें अभिष्ट संख्या हमारी 125 में एक जुड़ा हुआ तो एक घटा देंगे तो आ जाएगा 124 और ये 94 में से एक घटा देंगे ये आ जाएगा 93। अब हमें करना क्या है, 124 और 93 का हमें बड़ी से बड़ी पूछा जा रहा, तो महत्तम समापवर्तक इसका हमें बच्चों निकाल देना। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, अगर हम गुणनखंड विधि लगाते हैं तो काफ़ी बड़ा पड़ता है, सबसे बढ़िया होता है भाग विधि, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को कर देंगे भाग और जिस पर पूरा पूरा कट जाएगा वही इसका हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त। ठीक है, तो ये 124 आया था तो एक यहाँ आ गया, ये 31 आ गया, अब 31 को 93 से कर देंगे, ये देखिए 3 बार चला गया 93, इसका मतलब कहाँ पे कटा, 31 से, तो इसका महत्तम समापवर्त हो गया 31 यानी
31। देखिए 31 कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मिल रहा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 3 में है। अगर मैं बात करूँ 49 की, तो आइए 49 वाला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, ये भी देखना पड़ता है कि उत्तर किस में आ रहा है। देखिए दशमलव में नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर दशमलव का झंझट ही हटा लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 5.75, ये डेसिमल हटाएंगे। एक डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर दो जीरो हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि दो के बाद डेसिमल लगा हुआ है। माइनस फिर है आपका 3/7। अब हम 15 चक्कू 60 और 3 63, 63/4 हम 4 लिख लेंगे। प्लस 35 दूना 70 2 72, 72/35 भाग 1.44। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, अब अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो इसको मैं काट दूँ। 25 चक्कू 100, 25 दूना 50, 25 75, तो ये आ गया 23/4। यहाँ तक आ गया होगा। माइनस अब यहाँ से 9 एकम 7 था, और 7 9 63, 9 3 27/4। ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा 72/35, और ये भाग है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.44। दोनों को हम डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो ये दो जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। और 72 एकम बच्चों 72 होता है, 72 दूनी होता है 144। ठीक है, अब अगर हम इसको 5 से काट लें, 5 से काट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35। ठीक है, और इधर हम कर लेंगे 2 10 10, तो ये हमारा 23 में से पहले 27 अगर घटा लेंगे तो आ जाएगा -4/4, और ये प्लस बचेगा 10/7, तो ये हो गया पूरा 1, तो ये आ गया -1 प्लस 10/7। अब दोनों का एलसीएम ले लिया, आ गया 7, ये हो जाएगा -7 प्लस 10 बराबर 3/7। यहाँ देखिए 3/7 आपको 4 वाले में दिखाई पड़ रहा है, इसको हम यहाँ से सही कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए बच्चों करते हैं कैसे, ये हमारी मान लीजिए रेलगाड़ी है, ये खंभा गड़ा है, सॉरी मैं दूसरा बना देता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ये कोई हमारा खंभा गड़ा, ये रेलगाड़ी है आपकी, यहाँ से अब ये क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर मान ली ये चल के गई, तो इसका मतलब अब जो इस ट्रेन की लंबाई होगी उतना चलने में जो समय लगेगा वही ट्रेन की क्या होगी लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई मीटर में दी गई है और हमारी चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, तो हम चाल को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदल लेंगे 45, इसको 5 बचे, 5/18 से बच्चों भाग करते हैं तो ये बदल जाता है मीटर पर सेकंड। अब इसको हम देखें 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 5 45, तो आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप फार्मूला लगा देंगे, चाल बराबर बच्चों होता है दूरी बटे समय। अब देखिए चाल यहाँ पर आपकी कितनी थी 25/2, दूरी यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो मान लीजिए एक्स है, समय हो गया 18, तिर्यक आप यहाँ से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2x = 125 × 18। एक्स बराबर 25 × 18/2, 2 से भाग कर देंगे, 2 नमा 18, 25 नमे में होता है 225 मीटर। इसका मतलब जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई होगी 225 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 20 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर की तरफ से 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लेते हैं बच्चों ये हमारा देखिए कोई खेत है, ऐसे हमने बना लिया, ये कोई खेत था जिसकी लंबाई आपकी 20 और 16 थी, मैंने अंदर लिख दिया, उसके चारों ओर ये 1.5 मीटर का एक रास्ता बच्चों बनाया जा रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है देखिए, इधर रास्ता आपका ये 1.5 मीटर बढ़ गया है और इधर भी 1.5 मीटर बढ़ गया है, तो इसका मतलब 1.5 मीटर इधर और 1.5 मीटर बढ़ करके तो 1.5 1.5 होता है 3 और 20 है, तो हो गया बच्चों 23। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 16 है, 1.5 मीटर इधर बढ़ा और 1.5 मीटर 1.5 1.5 3, तो ये हो गया 19, यानी बाहर की भुजाएं हो गई 23/19 और अंदर की हो गई 20/16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अगर क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए बाहर का क्षेत्रफल इसका पूरे का निकाल लेंगे,
यानी रास्ते सहित क्षेत्रफल। तो ये रास्ते सहित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 23 × 19। अब आप इसकी गुणा कर लेंगे तो 19 × 57 और 19 × 38 43, तो 425 वर्ग मीटर। अब देखिए अंदर का क्षेत्रफल, यानी अंदर का क्षेत्रफल ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई बच्चों। तो लंबाई है 20 × 16, हो जाएगा 320। तो 435 रास्ता सही था और अंदर जिस पे रास्ता नहीं है वो 320 है। अब हम इन दोनों को घटा लेंगे तो निकल आएगा कि आखिर रास्ते का क्षेत्रफल हमारा है कितना। तो ये हमारा देखिए 711, तो 117 वर्ग मीटर जो है वो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखता हूँ मैं, 52 कि एक चित्र आपको दिया गया, उपर्युक्त आरेख के अनुसार किस आयु वर्ग के बाल अपराधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक के लिए देखिए ये वाला आप देखिए, ये 40 है, एक यहाँ पर आप आओगे तो ये देखिए सबसे स्तंभ इसका ऊंचा जो 40 है, 40 का आयु वर्ग क्या है, 18 से लेकर के 20 वर्ष। तो 18 से 20 वर्ष के जो बालक हैं, जो बाल अपराधी हैं, वो सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बार दंड है वो सबसे ऊंचा कौन सा है, 18 से 20 वाला, जिसकी संख्या 40 है। अगर पूछता कि किस आयु वर्ग में अपराधी सबसे कम है, तो आप यहाँ से ये वाला निकालते, ये देखिए 15 पे आएगा, ये 22 से 24 वर्ग पे आता है। तो कुल मिला के आपसे जो प्रश्न पूछा जाए आप उसका आंसर बहुत आसानी से ग्राफ की सहायता से दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न साधारण ब्याज से है कि 1800 रुपये का 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात करिए, यानी आपने 1800 रुपये दिया वो 2250 रुपये हो गया 2 वर्ष में, लेकिन दर नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम साधारण ब्याज जो है निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन 2250 माइनस मूलधन 1800, तो ये आपका आ गया 450। अब देखिए दर का आप फार्मूला लगा देंगे, दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणित 100 / मूल धन। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर 450 है, दर आप × 100, मूलधन 1800 है और समय आपका 2 वर्ष। देखिए 2 जीरो यहाँ से हम काट लेंगे, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 50 आ गया, फिर 2 से काट देंगे ये 25 आ गया, तो ये आ गया 25/2%। भाग कर देंगे तो आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% कहीं कहीं आ रहा होगा, ये देखिए ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो पूछ रहा है 0.0025% का लघुत्तम भिन्न में क्या होगा, यानी इसको अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो ये क्या बनेगा। ये तो बहुत आसान है, हम करेंगे क्या, कुछ भी इसमें नहीं करना, यहाँ पर हम पॉइंट देखे लगा रहने देंगे और ये 2025% है, तो यहाँ पर अपन 100 कर लेंगे। ऊपर 4 अंक हैं, नीचे 2 ही अंक हैं, तो हम इनमें 2 जीरो बढ़ा लेंगे और ये हट जाएगा। अब ये हमारा बन गया 25/10000, 25 × 25 = 100, तो 1/400, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चूंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, अगर हम 15 से भाग करेंगे देखेंगे कितनी इसमें से संख्या बढ़ रही, तो 15 × 96 आ गया 9, फिर 15 × 96, इसका मतलब 9 शेष, यानी अगर ये 9 न होता तो ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती और वो 15 से पूर्णतः डिवाइड होती, तो अभीष्ट आपकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, 999 - 9, यानी 990 संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 15 से डिवाइड भी होगी। तो यहाँ से ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको केवल भाग करना है, क्या करना है देखिए, 0.0225/0.00075, नीचे 5 अंक हैं, ऊपर 4 हैं, तो 0 बढ़ा लिया, ये दोनों डेसिमल हट गए, ये 0 हट गया, तो आ गया 2225/0.75। अब आप देखिए यहाँ पर
पच्चीस तिया 75, 25 नवैया 225 यानी 90 आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो कुल मिला के यहाँ से भाग करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो देखिए 30 कहीं ना कहीं जरूर आ रहा होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल रहा है। अगला है 4 हेक्टोमीटर बराबर मिलीमीटर। सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला होता है, डे का 10 है किलो हज़ार, हेक्टो से समझो 100 बार। तो एक हेक्टोमीटर जो है, एक हेक्टोमीटर में होता है 100 मीटर, और एक मीटर में आपका सेंटीमीटर कितना होता है 100, तो 100 से और कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर में होता है 10 मिली मीटर, तो 10 से इसको और कर देंगे तो हो गया मिलीमीटर। इसका मतलब ये आ गया 1,00,000, 1,00,000 मिलीमीटर, किसमें, एक हेक्टो में। तो 4 में पूछ रहा है तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 4,00,000 तो बराबर हो जाएगा 4,00,000 मिलीमीटर। ठीक है, आप इस यानी अगर आपको पैमाने याद हैं तो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला है, एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा। चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये तुम्हारी 19 है, ये भी 19, ये भी 19 और ये भी 19 होगी। तो वर्ग का परिमाप माने चारों ओर की भुजाओं को जोड़, तो 19 × 76 या फिर 4 × भुजा फार्मूला ही होता है, तो 4 × आपका 19 × 76 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर है तो 76 सेंटीमीटर इसका बच्चों परिमाप आ जाएगा। बहुत आसान है, जिस त्रिभुज की माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, सभी को पता है, इसमें बताने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगला जो सीरीज का सवाल जरूर आता है, 1, 3, 7 और 15, यहाँ देखिए बच्चों अगला क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमारा 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर है, तो यहाँ 16 का अंतर होगा, यानी 15 और 16 को जोड़ देंगे 31 आएगा, इसका मतलब अगली संख्या जो होगी वो 31 होगी। तो कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे, और ऐसे ही प्रश्न अब हमारे ऐप पर आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपको 1 अप्रैल, 1 मार्च से आप लोग अधिक से अधिक इसमें हमारा एडमिशन ले सकते हैं, और इसी प्रकार की प्रतिदिन क्लास कर सकते हैं। अभी ये फ्री क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद आपको जो है हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगे, जिस पर बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हम आपको हल भी कराएंगे और आपका स्पीड टेस्ट भी लिया करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलता हूँ एक नई